नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्रतीक टीच 2.0 में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समसूत्रि विभाजन तथा अर्धसूत्रि विभाजन में अंतर। ये क्वेश्चन कक्षा 11वीं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष चार नंबर में कक्षा 11वीं में पूछा जाता है। चलिए तो देख लेते हैं समसूत्रि विभाजन और अर्धसूत्रि विभाजन में अंतर। तो चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह दैहिक कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। सेकंड है, इसमें एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। सेकंड है, इसमें चार नई कोशिकाएं बनती हैं। हमारा समसूत्रि विभाजन में थर्ड है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं के समान होती है। अर्धसूत्रि विभाजन में हमारा थर्ड है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती हैं। हमारा समसूत्रि विभाजन में फोर है, इसमें कम समय लगता है। और हमारा अर्धसूत्रि विभाजन में फोर है, इसमें अधिक समय लगता है। हमारा समसूत्रि विभाजन में फिफ्थ है, जो कि आखिरी पॉइंट है, ट्रांजिशन ओवर नहीं होता, प्रोफेस अवस्था होती है। कांसिंग ओवर होता है, इसमें दो प्रोफेस अवस्था होती हैं। चलिए तो हमारा समसूत्रि विभाजन और अर्धसूत्रि विभाजन में अंतर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी यह क्वेश्चन पता चल सके। थैंक यू दोस्तों।